आज की हमारी रेसिपी है मसाला पापड़, जिसे हम किसी भी टाइम बनाकर खा सकते हैं और इसे कोई भी बना सकता है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। हम लेंगे एक पापड़ और जिसको हम तवे पर एक कपड़े की मदद से अच्छे से सेक लेंगे। आप चाहो तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन मैंने हेल्दी रखने के लिए इसको तवे पर अच्छे से सेक लिया है। अब हम करते हैं मसाला तैयार। इसके लिए हम लेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज, एक बारीक कटा हुआ टमाटर, एक बारीक कटा हुआ खीरा, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच चाट मसाला हम इसमें डालेंगे। इसको थोड़ा मिक्स करके हम इसमें डालेंगे एक नींबू का रस। नींबू का रस डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम पापड़ को लेंगे हमारी सर्विंग प्लेट में और इसके बाद हम तैयार किया हुआ मसाला इसके ऊपर अच्छे से डाल देंगे। और इसको गार्निश करने के लिए लिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक सेव, जिससे हम इसको अच्छे से गार्निश कर देंगे। और इसके बाद हमारा मसाला पापड़ बनकर तैयार है, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और कोई भी इसे आसानी से बना सकता है। ये 2 मिनट में बनने वाले झटपट स्नैक्स आप भी ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।